अच्छा, जो चीज मैं एक्चुअली डिस्कस कर रही थी वो ये कि हमारे पास जो है हाउ टू गो फ्रॉम वन वेक्टर फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहला वाला स्टेप जो है वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि इफ यू आर गोइंग फ्रॉम, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास जो है वो न्यू बेसिस जो मैम है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही, मैंने शेयर तो की नहीं। ओके जस्ट अ मिनट, ओके जी, आ रही आप? जी मैम अब आ रही हूँ। ओके, सो अगर हमारे पास न्यू बेसिस जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज के न्यू बेसिस जो है उसमें दो वेक्टर्स हैं, तो आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और उस मैट्रिक्स को जो है वो वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जिसमें से लेट्स सपोज कि ये 2 1 और 1 -1 हमारे पास वेक्टर थे जो कि हमने पिछले इसी उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और लेट मी जस्ट राइट, यहाँ से तो लिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि अगर आप एक मैट्रिक्स एक बेसिस से दूसरे बेसिस में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपने काम क्या करना है कि जो भी दूसरा बेसिस है उसको इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स आपने लिखना है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर इस बेसिस में जो अदर बेसिस सेट है उसमें एक वेक्टर मौजूद है जिसको आप स्टैंडर्ड बेसिस में लेके आना चाहते हैं या अपने बेसिस में लेके आना चाहते हैं, तो आप उस वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दें विद द न्यू बेसिस, जिस जगह न्यू बेसिस नहीं, एक्चुअली ये वेक्टर जिस बेसिस में है उस वेक्टर को उस बेसिस के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है दिस इज टेकिंग एक्स टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक वाई है जो कि स्टैंडर्ड बेसिस में है और उसको मैंने लेके जाना है दूसरे वाले बेसिस में, यानी जो मेरे पास ये वाला है पॉइंट यहाँ कहीं और ये मुझे अपने कोऑर्डिनेट पता है, मुझे दूसरे के कोऑर्डिनेट्स माइंड लूप करने हैं, तो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड मल्टीप्लाई इट बाय ए इनवर्स। तो अगर मैं ए इनवर्स वाई करती हूँ तो इट वुड टेक मी टू द कोऑर्डिनेट, इसको लेट मी एक्चुअली राइट इट एज वाई प्राइम, ठीक है, या इसको एक्स प्राइम। सो व्हाट वी आर सेइंग प्राइम जो है आई एम डिफाइनिंग प्राइम फॉर द अदर बेसिस। तो अगर मेरे पास एक एक्स प्राइम है जो कि अदर बेसिस में है, ठीक है, और उसपे मैंने उस बेसिस का वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, तो आई एम कमिंग टू द वेक्टर जो कि मेरे बेसिस सेट में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा या उसके वो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास एक वेक्टर है जो कि मेरे बेसिस सेट में है एंड आई एम अप्लाइंग ए इनवर्स ऑन दैट वेक्टर, तो इट विल टेक मी टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू बेसिस सेट, ठीक है। इसको आपने याद रखना है और इसको आई वुड एडवाइज, जो मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है कि वहाँ लेक्चर्स में ये चीज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन है, और इन केस अगर आपको नहीं भी देखते तो ये लेक्चर दोबारा देखिए और यही एग्जाम्पल जो है इसको अपने तौर पर करने की कोशिश करें। नाउ नेक्स्ट लेट्स सपोज कि वी वॉन्ट टू मेक आर आइगन वैक्टर एज द बेसिस वैक्टर, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। चले अब आप में से कोई मुझे बताए कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स हैं, मेरे पास एक टू डायमेंशनल वेक्टर्स एक कोई भी मैट्रिक्स था और उस मैट्रिक्स के जो है वो दो आइगन वेक्टर्स मुझे मिल गए वी वन एंड वी टू, ठीक है, और मैं ने एक ओके मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है विच इज कंपोज्ड ऑफ दिस वी वन एंड वी टू, और मैं ये कहती हूँ, अच्छा अब आपके पास अगर मैं बेसिस करना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आई एम अस्यूमिंग के वी वन एंड वी टू आर लीनियरली लिनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब अगर मैं इसको बेसिस बनाना चाहती हूँ, ठीक है, कि अब मेरा जो स्टैंडर्ड बेसिस है उससे मैं इस बेसिस में जाना चाहती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला जो बेसिस वेक्टर है वो तो मैं इसको डिफाइन करूंगी एज सिंपली v1 एंड v2, ठीक है, विच वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड।
कि मेरे पास जो है लेट्स सपोज के वी वांट टू ट्रांसफॉर्म एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रियल आइगन वैल्यूज हियर. कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि कॉम्प्लेक्स में जो है वो रोटेशन वगैरह भी होती है. वी आर जस्ट अस्यूमिंग एंड हम इसलिए भी रियल की बात कर सकते हैं क्योंकि वी नो वी विल be concerned with symmetric matrices. हम singular value decomposition पे basically जाएंगे और symmetric matrices में हमेशा eigen values are real. ठीक है, so what we are saying is के let we want to transform कि हम 1 0 से 3 0 पे जाना चाह रहे हैं और 0 1 से 1 2 के ऊपर जाना चाह रहे हैं. ठीक है, so यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ इस तरह बनाया हुआ भी है कि ये यानी 1 0 से 3 0 का मतलब है कि x वाला जो है वो ये मैं करना चाह रही हूँ और जो दूसरा है वो उसको मैं ये वाला वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो इस केस में जो है अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं आइगन डिकम्पोजिशन को इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो वी नो कि जब इसका मतलब क्या है कि मेरा जो नया बेसिस सेट है या जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ 3 0 और 1 2 से. अब अगर मैं 3 0 1 2 से डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ different two dimensional vectors को let's suppose के मैं a x करती हूँ where x is any vector x1 x2 जो है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 0 और इसको मैं x1 x2 कर देती हूँ. ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा अगर इसको further मैं लिखती हूँ तो इसका मतलब है x1 will be multiplied by 3 0 and x2 will be multiplied by 1 0. Now you can see from here कि यहाँ पे जब मैं अगर different vectors लेती हूँ, यहाँ पर एक vector है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और इसको मैं a से multiply करती हूँ तो a क्या कर रहा है कि हमारे पास जो भी x component है उसको 3 times expand कर रहा है और y component को जो है वो उसी तरह से रहने दे रहा है किसी भी vector का जो है. अब उस केस में क्या होगा कि देयर विल बी डिफरेंट वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये ओरिजिनल वेक्टर था और ए से मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ कहीं चला गया. इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट इज नॉट ऑन द स्पैन ऑफ इट्स सेल्फ. यानी मल्टीप्लीकेशन से पहले ये ग्रीन वाला था और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो है लेट्स सपोज कि ये वाला बन गया. तो ग्रीन और ब्लू जो है वो एक लाइन पर नहीं है या सेम स्पैन पे नहीं है. सिमिलरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो मैट्रिक्स वेक्टर था ये मेरे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहीं और चला गया. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई होने के बाद डिफरेंट वेक्टर्स विल चेंज इन डिफरेंट मैनर्स. लेकिन अगर आप इस वेक्टर को देखते हैं 1 0 को देखते हैं या x एक्सिस के किसी भी वेक्टर को देखते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, दे विल जस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3. यानी कोई भी वेक्टर अगर फर्स्ट करें मैं 1 0 के बजाय जो है इस x एक्सिस पे एक और वेक्टर ले लेती हूँ 9 0 ले लेती हूँ, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल गो टू 27 0. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो ये x एक्सिस के स्पैन पे वेक्टर था, कोई भी वेक्टर जो कि x एक्सिस पे, इट विल रिमेन ऑन x एक्सिस. So this will be eigen vector of this particular matrix because of the reason के अगर linear transformation के बाद span of the matrix, span of the vector is not changing या span of the vector का मतलब है कि वो जिस line के ऊपर था वो उसी line के ऊपर रह रहा है, बेशक वो दूसरे minus से भी multiply हो जाए लेकिन वो उसी line के ऊपर रह रहा है, तो that will be an eigen vector of the this particular matrix और ट्रांसफॉर्मेशन. और एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपके पास आइगन वेक्टर जो है वो यूनिक नहीं होता. ये आपने पहले भी देखा जब हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाले थे तो वी सॉ कि आइगन वेक्टर्स में हमेशा जो है वो आपके पास एक चीज आप अस्यूम करते हैं फ्री वेरिएबल होता है तो उससे पूरा वेक्टर निकल रहा होता है. बट डज इट मीन कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स इस लाइन के ऊपर हैं या इस स्पैन के ऊपर हैं दे आर ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसकी मैंने यहाँ बात की है. ठीक है, अब अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स जो है इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि एक तो मेरे पास यहाँ आ गया, दूसरा आपके पास जो है यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट फ्रॉम यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो कि हम पीछे करते रहे. ठीक है, बट व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि अगर हमारे पास व्हेन वी अप्लाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू एनी वेक्टर w देन इट मे बी पॉसिबल दैट w डज नॉट रिमेन ऑन इट्स स्पैन जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं. ठीक है, विच मीन्स कि इट चेंजेस द डायरेक्शन. However, there are certain vectors that don't have such effect, which is in this specific case, this is x-axis. So, and these vectors are called eigenvectors. ठीक है? और eigenvalues क्या होंगी? जिस
नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द करंट केस दिस पर्टिकुलर वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3. तो इसका मतलब है कि इस मेरे पास जो इस पर्टिकुलर ए के लिए जो एक आइगन वेक्टर जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 0 एंड आइगन वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो 3 है. ठीक है, और लेकिन ये कि आइगन वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, आइगन वेक्टर कैन बी 1 0 3 0 5 0 2 0, इट डजंट मैटर, सारे के सारे जो है वो लेकिन ट्रांसफॉर्म उसी तरह से हो रहे होंगे. ठीक है, नाउ द थिंग इज कि वी सॉ कि हम आइगन वेक्टर्स के लिए किस तरह से कर रहे होते हैं, सॉल्व किस तरह कर रहे होते हैं. वी सॉल्व फॉर दिस थिंग एंड सॉल्विंग फॉर दिस मीन्स के वी आर फाइंडिंग. अब ये क्या है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेस करना चाहूं, दिस इज एक्चुअली द नल स्पेस ऑफ व्हाट, कौन बताएगा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. Oops. अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ ए एक्स इक्वल टू 0, तो दिस एक्चुअली इज डिफाइनिंग ऑल द वेक्टर्स एक्स विच आर इन नल स्पेस ऑफ ए. तो अगर मैंने a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 किया टाइम्स v इक्वल टू 0 किया है, तो इसका क्या मतलब है, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर ऑल v's व्हिच आर इन द नल स्पेस ऑफ a माइनस लैम्डा आई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये तो नल स्पेस की डेफिनेशन है ना. मेरे पास a माइनस लैम्डा आई जो हमने जिससे सॉल्व किया था दैट वाज अगेन अ मैट्रिक्स, और हमने इस मैट्रिक्स को v से मल्टीप्लाई करके 0 कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड ऑल द वेक्टर्स व्हिच इज टेकिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू 0 वेक्टर. ठीक है, या हम नल स्पेस ऑफ a माइनस लैम्डा i को कंप्यूट कर रहे हैं. ओके, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज v इक्वल टू 0 व्हिच वी ऑलरेडी नो, लेकिन दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन. हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जो है वी फाइंड ऑल द लैम्डास दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द v's. और सॉरी ये पता नहीं क्या होता चला जा रहा है. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब जो हमने अभी तक इसके लेक्चर में किया है डिटरमिनेंट की बात की है हमने, और डिटरमिनेंट के बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो क्या हो जाता है. ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अब इस केस में अगर डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट अ मिनट, तो ये ओके लेट्स गो. अब इसका क्या मतलब है कि ओके, तो जो हमारा जो ये पिछला वाला पार्ट है स्लाइड का, उससे तो हमें ये बात सिर्फ समझ में आती है कि जब भी आप ट्रिवियल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी वेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्केल अप हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आइगन वेक्टर्स हैं, और उसके लिए बेसिकली वी आर सॉल्विंग फॉर द नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ योर आइगन वैल्यूज आर नॉट यूनिक, जिस तरह से हम बात करते हैं नॉट डिस्टिंक्ट. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला वेक्टर मैट्रिक्स लेती हूँ ए जी 1 0 एंड 1 1, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप देखें, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल कम अप विद द आइगन वैल्यूज जो कि सेम होगी. मेरा ख्याल है इसकी 1 और 1 दो आइगन वैल्यूज आती हैं, 1 1 के ऊपर ही आ जाती हैं. तो व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आइगन वेक्टर, अगर सेम आइगन वैल्यू हो जाए तो आइगन वेक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन बताएगा? हेलो, कोई है भी कि नहीं? ओके जी, हामिद बताएंगे? हामिद वैसे पिछला वाला लेक्चर नहीं पढ़ा था मेरा ख्याल है, इकरा ने भी नहीं किया था, शाइंजा ही रह जाती है मेरा ख्याल है, शाइंजा के अलावा किसी ने पिछला लेक्चर नहीं किया था. जी शाइंजा मैम, फिर वो आइगन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसके आपके पास. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके पास दो सेम है, और इसका तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो है मेरे पास ए, ये कितने डायमेंशनल स्पेस को, अगर मैं इसके आइगन वेक्टर से बेसिस वेक्टर बनाना चाहूं तो कितने डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर सकता है, 2 को के 1 को? मैम ये 2D है, ये तो 2D है, लेकिन अगर मैं इसके आइगन वेक्टर्स लेती हूं और उस आइगन वेक्टर से मैं बेसिस वेक्टर बनाना चाहती हूं, तो हाउ मेनी डायमेंशनल स्पेस वुड इट बी एबल टू,
अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है मैम, 2D से ये 1D में आ जाएगा, 1D में आ जाएगा. ओके, सो द थिंग इज, ओके सो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हियर इज कि आपके पास अगर आपने आइगन वैल्यूज, पहली बात तो ये कि जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो ये कि अगर आप आइगन वेक्टर्स को बेसिस वेक्टर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका यही है कि आप आइगन वेक्टर्स को लें और उससे आप जो है मैट्रिक्स ए बनाएं और उसके बाद उस मैट्रिक्स ए से आप जो है वो न्यू बेसिस वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, प्लस ये कि आइगन वैल्यूज जो है दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन कि जो आपके पास नया वो बन रहा है, जो बेसिस बन रहा है विद द आइगन वेक्टर्स, हाउ मेनी डायमेंशन वुड इट हैव. ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है लेट्स सी के इसमें क्या लिखा हुआ है. ओके, दिस इज अगेन द सेम इंफॉर्मेशन जो कि अभी हमने डिस्कस की है. लेट मी एक्चुअली जस्ट गो टिल द टिल अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद हमें स्टॉप करके आई वॉन्ट टू डिस्कस सम थिंग्स बिफोर दोबारा से जो है वो हमारा ये लूज हो जाए कनेक्शन. ठीक है, इसमें ये है कि ओके हाउ टू चेंज आइगन बेस टू आइगन बेसिस और विच मीन्स के वी वॉन्ट आइगन वैक्टर्स एज द बेसिस वैक्टर्स. और एक्चुअली मैं ये चीज़ बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ कि बेसिस का इधर से उधर लेके जाना इम्पॉर्टेंट क्यों है और कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हम आगे देखेंगे या आप आगे देखेंगे, मे बी मैं आपको कोई होमवर्क वगैरह में दूंगी कि वी नॉर्मली चेंज द बेसिस टू आइगन बेसिस, विच मीन्स कि हम आइगन वैक्टर्स को बेसिस के तौर पर लेते हैं और ये चीज़ हम जो है वो बहुत सी एप्लीकेशंस में करते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस पर. फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम यही काम कर रहे होते हैं कि हम बेसिस को जो है वो चेंज करके आइगन बेसिस पे लेकर आते हैं. इसके अलावा जो है वो हमारे पास डिफरेंट और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, तो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग कि हम किसी ना किसी वेक्टर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स निकाल रहे होते हैं और फिर उन आइगन वेक्टर्स को लेके जो है वो हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप उसमें चेंज कर कैसे रहे होते हैं. ठीक है, एंड नाउ वी नो कि अगर आपने आइगन वेक्टर्स को एज अ बेसिस लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ मैट्रिक्स विद दोस वेक्टर्स. ठीक है, एंड आई एम अस्यूमिंग हियर कि v1 और v2 दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि ये 2D को स्पैन कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप उसको v इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं एनी वेक्टर को, तो दिस वेक्टर इज एक्चुअली इन द आइगन बेसिस. ठीक है, जो कि हमने अभी देखा है कि अगर हम अपने वाले से दूसरे बेसिस में जाना चाह रहे हैं तो जो उस बेसिस का हमारे पास मैट्रिक्स बनता है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है हम. ठीक है, और अगर वहां से उधर से लेके हम एक वेक्टर को अपने में आना चाह रहे हैं तो फिर वी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज अगेन समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी सीन, देयर हैज टू बी एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज टू फॉर्म एन डायमेंशनल बेसिस सेट. ठीक है, इफ ऑल एन आइगन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट देन इट मीन्स कि वी कैन नॉट हैव एन डायमेंशनल बेसिस सेट्स from with the help of these linearly independent eigenvectors. ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये वाले तो, ये तो चीज हमने उस वक्त की है कि when we are talking about linearly independent eigenvectors. ठीक है, which means के v inverse exists करता है और v inverse exists करने की वजह से we can go from our basis vectors to the other basis vectors जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने सो व्हाट इज अब यहाँ पर जो है वी एक्चुअली टॉक अबाउट जो डायगनलाइजेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी कि उसका फायदा क्या है. आपको अगर याद हो हमने डायगनलाइजेशन में क्या देखा था, वी सॉ के हम किसी भी वेक्टर ए को लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म. ओके सॉरी टाइम्स v inverse, मेरा ख्याल है ठीक है v inverse. ठीक है, अच्छा, अब let's suppose के और ये हमने और इसके लिए कंडीशन क्या थी, जो v's हैं जिसे v inverse बना हुआ है v's are linearly independent और eigen values are lambdas are distinct, क्योंकि ये अगर हो सकता है तो फिर इनवर्स पॉसिबल है ना, अदरवाइज तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है. नाउ माई क्वेश्चन इज कि अगर मैं ए एक्स को करती हूं, अगर
और मैंने डायगनलाइज किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई, ये अप्लाई हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस थिंग इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, कौन बताएगा मुझे? देखें अब अगर अगर अब हम ये करें ना, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं एक्स वेक्टर जो है वो कहती हूँ कि मेरे हमारे डोमेन में था, कोई भी एक्स वेक्टर था, तो बेसिकली ये चीज क्या कर रही है, वी इनवर्स एक्स क्या कर रहा है, इसको कहाँ लेके जा रहा है, इट इज टेकिंग इट टू आइगन बेसिस, क्योंकि वी जो है वो आइगन, v कैसे बना हुआ है हमारे पास, v was actually equal to all eigen vectors v2 से लेकर vn तक, okay? So, इसका मतलब है कि this is eigen basis, ये क्या है, सारी eigen values हैं, and this thing is again, तो इसका क्या मतलब, अच्छा अब जब यहां तक हमने ले लिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक वेक्टर को पहले हम लेके गए हैं eigen basis पे, उसको हमने आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन वी आर गेटिंग अ वेक्टर, और हमने फिर दोबारा वी अप्लाई करने का क्या मतलब है कि वी हैव कम बैक टू आवर ओन बेसिस वेक्टर, व्हिच इज द सेम थिंग एज अप्लाइंग ए टाइम्स एक्स। माय क्वेश्चन इज कि इतना तरद्दुद क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ दिस डायगनलाइजेशन, हम तो ए से भी तो डायरेक्टली कर सकते थे ना, एनीवन, पता नहीं कितने लोग आप में से यहाँ पर हैं अभी। जी इकरा, हामिद, शहजाद, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि अगर मैंने अगर डायगनलाइजेशन की है तो मैंने सिंपली क्या किया है कि एक जो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करना था उसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक्स को पहले लेके गई हूँ मैं आइगन बेसिस में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद वी इनवर्स ऑफ एक्स जो है, v inverse x is in eigen basis, then we multiply it with lambda, sorry delta, so which means ki humne eigen value se kiya hai, and then we are taking it back to our own basis by multiplying it with v. What is the advantages? Okay, let's see ki kya advantage ho sakta hai. Let's suppose ki मैं ए को दो दफा अप्लाई करना चाहती हूँ, मीनिंग ए स्क्वायर एक्स करना चाहती हूँ। अब एक्चुअल में क्या होगा, ए इंटू ए एक्स करना होगा, इसका क्या मतलब है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आइगन अगर फर्ज करें कि मैं डायगनलाइजेशन पे चली जाती हूँ, वी सिग्मा वी इनवर्स टाइम्स वी सिग्मा, कहती हूँ मैं हमेशा ये डेल्टा, ठीक है, वी डेल्टा वी इनवर्स, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, वी डेल्टा वी इनवर्स टाइम्स वी डेल्टा वी इनवर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज आई, और इन अदर वर्ड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वी डेल्टा रेज टू द पावर माइनस टू वी इनवर्स, ठीक है। एक्चुअली मेरा ख्याल है मैंने ये लेक्स स्लाइड पर लिखा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल लिखा नहीं जा रहा, किधर है जी, देखें, सो अब इसका ओके, सो वी कैन सी कि ए स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन आइगन डायगनलाइजेशन के बाद इसका क्या मतलब है कि यू आर मल्टीप्लाइंग विद वी डेल्टा स्क्वायर वी इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच मींस के ए स्क्वायर आपको नहीं करना, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है कि आइगन वेक्टर्स जो हैं उनसे जो मैट्रिक्स बना है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और फिर लैम्डा को स्क्वायर करना है, यानी व्हाट दिस इज टेलिंग अस इज कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप एक, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
और दिस इज एक्चुअली आपका जो आगे आप एप्लीकेशंस कर रहे होंगे जिसमें आपको नहीं समझ आएगा कि मशीन लर्निंग में हम फीचर स्पेस में जा रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो वहां पे सारा काम कर रहे होते हैं और दोबारा वापस आ रहे होते हैं, या इवन एसवीडी का जो मैंने आपको फॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है आप एसवीडी में जाके करेंगे कुछ और फिर दोबारा वापस आ रहे होंगे. दिस इज एक्चुअली दिस थिंग, यानी नॉट नेसेसरली ऑर्थोनाइजेशन बट दिस इज एक्चुअली द चेंज ऑफ बेसिस कि हम आइगन वेक्टर बेसिस में चले गए हैं तो वहां जाके हमें स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ लैम्डास को स्क्वायर करके और हर वेक्टर को सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा से मल्टीप्लाई करें एंड देन वी आर कमिंग बैक टू वी. तो अगर फर्ज करें कि मैं आपको कहती हूँ कि ए को 10 टाइम्स आपने x से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इफ यू हैव गॉन टू आइगन बेसिस तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिंपली एक दफा इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर लैम्डास जो हैं, लैम्डास आर जस्ट नंबर्स. अगर आपको याद हो कि लैम्डा जो है वो सारे के सारे सिर्फ डायगनल के ऊपर आपके नंबर्स हैं, आपने इनकी 10th पावर लेनी है और हर वेक्टर को जो है वो उससे मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन यू आर गोइंग बैक टू the original basis जिसमें हम थे. तो what this is telling us is कि change of basis से हमारे पास ज़िंदगी आसान हो गई है, ठीक है? And if it is a symmetric matrix, अगर A symmetric matrix था और इसमें यही eigen values जो थी वो distinct थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि V inverse जो है वो V transpose के equal हो जाएगा, which means कि आपको V का भी inverse compute करने की ज़रूरत नहीं है. This thing actually becomes V delta V transpose X. Which means के आप अगर आइगन बेसिस में जाके काम करना चाह रहे हैं और ए ए 10 को x से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई x बाय द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर v, देन मल्टीप्लाई एवरी कॉम्पोनेंट बाय लैम्डा रेज़ टू द पावर 10 एंड देन उसके बाद v से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 10 times A को multiply करने के बजाय the things become easier in this manner. And then you will see जो आपका SVD का homework का question है कि वहाँ से आप देखेंगे कि sometimes we can actually drop noise components also because we are going to a domain जहाँ चीजें जो हैं वो ज़्यादा clearly हमें नज़र आ रही होती हैं, ज़्यादा clearly जो है वो solve हो सकती हैं. तो इस बेसिकली स्लाइड में जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि अगर आपके पास जो है अगर आपने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था तो आइगन डोमेन में जाने के बाद यू जस्ट नीड टू टेक द इनवर्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा स्क्वायर्स, और अगर सिमेट्रिक है तो उस केस में तो आपने इनवर्स भी नहीं लेना, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. ओके, वी विल स्टॉप हेयर विद दीज थ्री फैक्ट्स जो कि आइगन डिकम्पोजिशन के बारे में. मैं इनको प्रूव नहीं करूंगी बट दीज आर इम्पॉर्टेंट कि हम यूज करेंगे आगे कहीं पर. एक तो ये कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है उससे डिटरमिनेंट निकल आता है. इसका मतलब है कि अगर एनी आइगन वैल्यू इज जीरो तो यू शुड नो इट डिटरमिनेंट जीरो है एंड यू शुड नो कि इसका मतलब है कि हम हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन स्पेस पे जा रहे हैं. दूसरी चीज ये कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज से हमें ट्रेस मिल रहा होता है, विच इज अगेन ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. और तीसरी चीज ये है कि सिमेट्रिक अगर ए था तो इट विल बी सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट अगर आइगन वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन जीरो होंगी. ठीक है, हमने ये देखा था कि सिमेट्रिक के लिए रियल होती है विच मीन्स के इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो रियल के साथ साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में है सारी की सारी तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता है. और सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस की हमने प्रॉपर्टीज पहले भी देखी थी. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स क्योंकि एसवीडी में जो है वो वी विल बी यूजिंग दिस थिंग. आइगन वैल्यूज आर वन ऑफ द आइगन डीकंपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं, ये करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम इसको रोक देते हैं. बहुत सी स्लाइड्स अभी हम नहीं कर पाए बट आई डोंट थिंक मैं इसे बियॉन्ड जो है वो जाना चाहती हूँ. तो आप में से जो जो चीज मैं दो तीन मिनट रह गए उसमें डिस्कस करना चाहती हूँ, एक तो ये कि बल्कि बताना चाहती हूँ, डिस्कस क्या करना चाहती हूँ. आप लोगों को शायद मेरा ख्याल है वो मिल चुका होगा, क्या कहते हैं एग्जाम का स्केड्यूल. आपको पता है आपके एग्जाम्स 20th जून से होंगे, पता है कि नहीं पता? नो मैम, नहीं पता. ओके, चले अब मैं बता रही हूँ आपको. 20th या 22nd कुछ इस तरह का, 20th वाला जो वीक है जून का उसमें होंगे एग्जाम्स. ठीक है,
और द प्लान राइट नाउ इज के सारे जिस तरह से अभी तक गवर्नमेंट का प्लान है कि 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर, तो उसके बाद एक आध वीक होगा जिसमें हम वो करेंगे, रिवीजन वगैरह करेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली मतलब मेरा ख्याल है कि शायद हम उस वक्त तक कोर्स को खत्म ही कर चुके होंगे या थोड़ा बहुत ही रह गया होगा हमारा. तो इसलिए जो है वो डिपेंडिंग अपॉन के हमारे रोजों में कैसी पेस जाती है. तो इन एनी केस, लेकिन जो जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि हम मिड टर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म के लिए जो एक ऑप्शन मेरे पास ये थी, आई वांटेड टू डू दैट, कि मैं आप लोगों को टेक होम एग्जाम मिड टर्म का देना चाहती थी. लेकिन उसमें मसला ये है कि रोजे आ रहे हैं पूरा एक महीना जो है, और अगर मैं आपको वो रोजों में देती हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग जो है वो कितना एफिशिएंटली उसको करना चाहेंगे टेक होम एग्जाम को. तो मैं ये चाहूंगी कि हो सकता है कि जैसे ही वो खुले हमारा जून में, तो उस वक्त जो है वो मैं शायद आपको मिड टर्म दे दूं, जिसमें जो है वो इसी तरह टेक होम होगा कि मीनिंग कि मैं आपको 24 घंटे दूंगी और आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो किसी और के साथ डिस्कस ना करें, और उसमें जो है वो फिर आप एक एक दिन में जो है वो सबमिट आपने करवाना होगा. दूसरी ऑप्शन ये है कि अगेन वी डोंट नो कि 1 जून से भी उन्होंने कहा तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या हालात रहते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं होता. दूसरी चीज ये है कि होमवर्क जो है उनकी वेटेज फिर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्विजेस भी आई एम नॉट श्योर कि कैसे बनाए जा सकते हैं और लेना कितना आसान है या क्या होगा. क्विजेस की मैं ऑप्शन देखूंगी, हो सकता है कि कुछ क्विजेस वगैरह भी कर पाए. लेकिन ये कि जो कहने का मतलब सारी चीजों का ये है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसकी वेटेज अच्छी खासी होगी, मतलब 50% से या उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी. सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स मोर देन, क्योंकि नॉर्मली मैं फाइनल एग्जाम की वेटेज 30% या इस तरह से इसके अराउंड रखती हूँ, इससे ज्यादा नहीं रखती. लेकिन ये कि फाइनल एग्जाम की वेटेज ज्यादा होगी, प्लस ये कि आपका प्रोजेक्ट जो है जाहिर है उसकी भी वेटेज 20-25% में रखूंगी. तो प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करना शुरू करें, होमवर्क्स जो हैं उनको आप करके, मैंने होमवर्क अब थोड़े आसान ही देना शुरू कर दिए, लेकिन ये कि उनको वक्त पे करके करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा होमवर्क हो जाए तो मार्क्स जो है वो ज्यादा इधर से हम कवर कर पाए. अगर हमारे पास होमवर्क वगैरह नहीं होंगे ज्यादा, तो आई विल हैव टू टेक फाइनल एग्जाम्स जो कि ज्यादा हैवी हो जाएगा. ठीक है, तो ये कि होमवर्क करके दें, आई विल ट्राई कि मैं एक दो होमवर्क जो है छुट्टियां खत्म होने से पहले कर पाऊँ.